बेबी शेफ्स एली और एशली से मिले। एल बचपन से ही मिलियनेयर है और एश किसी भी चीज से कुकिंग कर लेती है। क्यूटीज। और उनका एक कैफे खोलने का भी सपना है। वाओ, सपने वाकई सच होते हैं। अब एली ओनर है और एशली उसकी मदद करती है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। कोई कैफे में नहीं आ रहा है। बिना कस्टमर्स के 22 दिन बीत चुके हैं। ओह माफ करना, 23। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे पता है क्लाइंट्स को वापस कैसे लाना है। मेरी बात सुनो प्लीज। ओह ये बहुत परेशान कर रही है। मुझे पता है कि क्या करना है। ये बहुत आसान है, ये ट्राई करो। वाह अच्छी कोशिश है। हे इधर आओ, सिर्फ $1 में बहुत ही टेस्टी बर्गर ले जाओ। हे पास के कैफे में फ्री में बर्गर्स बट रहे हैं। बढ़िया, चलो वहाँ चलते हैं। अच्छा आइडिया है, लेकिन क्यों? मेरी बात सुनो। हे क्या? बस एक मिनट, इधर देखो कलरफुल बर्गर्स। हमें इसी की जरूरत है। ठीक है, अगला क्या है? राइनस्टोन्स वाला कप। देखो ये पोटैटो बटरफ्लाई है। अच्छा आइडिया है ना? कितनी अजीब है। हाय टॉम, किसी को मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। रुको, देखो मेरे पास भी एक आइडिया है। खैर हम हनी कॉम्ब्स बेच सकते हैं। बढ़िया है ना? ओह ये बहुत खतरनाक है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। टाटा, मेरा आइडिया भूल जाओ। इस कुकी का क्या करें? इसे फेंकना ही बेहतर होगा। अच्छी बॉल है, बढ़िया सर्विंग है और एक और बार। बस बहुत हुआ, मैं इससे तंग आ गया हूँ। वो कहाँ जा रहा है? ओह खैर हम अपना खुद का कैफे खोलेंगे, लेकिन पहले हमें रेनोवेशन करनी होगी। तैयार हो जाओ, चलो शुरू करें। A few moments later. दोस्तों ने अच्छा काम किया। ओह ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। टॉम थोड़ा कंफ्यूज्ड है। आ, अब मैं समझा। ये बढ़िया है, कितना स्टाइलिश इंटीरियर है। खैर चलो काम करना शुरू करें। हाँ ये बंद था, लेकिन अब ये खुला है। उन्हें पहले विजिटर्स का इंतजार करना होगा। Much later. मुझे समझ नहीं आ रहा, सब लोग कहाँ हैं? कितना समय बीत गया है? और टॉम कहाँ है? वो कमाल का प्रैंकर है। ओह आखिरकार पहला भूखा कस्टमर। ये लीजिए, उसे ये पसंद नहीं आया। क्या ये बर्गर है? लगता है उन्हें बाकियों को भी फेंकना होगा। बिल्कुल नहीं, येलो उसका फेवरेट कलर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी ज्यादा ताकतवर है। बढ़िया, कितना कलरफुल लंच है। यकीन नहीं होता उसने सब कुछ खा लिया। ओप्स, अजीब सा रेनबो। लेकिन दोस्तों ने अच्छे पैसे कमा लिए। आप एली के कैफे में सो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कस्टमर्स नहीं है। बस जेमी का एक इमेजिनरी ओपोनेंट है। हम सोच रहे हैं ये टिक टैक टो की गेम को कौन जीतेगा। हार मान लो, मैं हमेशा क्यों हारता हूँ? ये लो एली, आराम करना बंद करो। हम अभी मौजूद हैं एशली के कैफे में। वो बहुत कलरफुल बर्गर्स बेचती है और पैसे गिनने का भी समय नहीं है। ये स्वादिष्ट और ट्रेंडी है।
स्वादिष्ट फैशन, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। क्या उसके पास नॉर्मल बर्गर है? ध्यान से देखना, क्या ट्रिक है। वाओ, आपने कौन सा बर्गर चुना? कमेंट्स में बताएं। और मैं खाने जा रही हूँ। और अब हम सबसे जरूरी सवाल पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमा लेती हैं? बढ़िया, क्या बात है। और मैं उसका पार्टनर हूँ, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? खैर नहीं, एली उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। लूजर। ओह, मुझे क्या, हमें इधर आओ इमेजिनेशन वाला गेमर। एली ने अपने कॉम्पिटिटर से कलरफुल बर्गर्स चुराने का सोचा है। अगर कोई काम अच्छे से करना है तो उसे खुद करो। और वो रहा टारगेट, ये एक्शन का समय है। ओप्स, गलत दरवाजा। हे दोस्तों, ये मेरा है। ये रहा, पकड़ लिया। चलो यहाँ से चले। यस यस यस, ये हे जेमी, ये तुमने क्या कर दिया? इसे जल्दी बाहर निकालो। ओप्स, हे सुनो, क्या तुमने देखा है कि खाना कौन फेंक रहा है? क्या वो हम नहीं है? वो यही है। मुझे तुम्हें गले लगाने दो। जिम भागने से अच्छा उल्टी करता है। ओह, आखिरकार मेहमान आ गए। हेलो हेलो, क्या आप बैठे? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं पानी चाहिए। रुको, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि ये क्या है। ये बर्गर खराब हो गया है, क्या आप नॉर्मल बर्गर लेना चाहेंगी? याम याम। रुको, मुझे नहीं चाहिए। ये रहा गोल्ड वाला। थोड़ा रुको, रोमांटिक माहौल कैसा रहेगा? कैंडल्स नहीं, रुक जाओ, मैं बस याम, मॉमी की तरफ से एक चम्मच। रखो, मैं बस ये कैफे ढूंढ रही थी जहाँ अलग अलग रंगों के बर्गर्स होते हैं। वो कहाँ है? वो पास में ही है। हे, मत जाओ बेवकूफ, फिर से फेल। या, बेहुदा। ईयू, ये क्या है? क्रोम यूनिवर्स के लोग कलरफुल बर्गर्स लेने के लिए घंटों तक लाइन में लगे हुए हैं। यकीन नहीं होता। बिल्कुल नहीं। हे, क्या मैं जा सकती हूँ? बेचारी, इतनी देर इंतजार करना होगा। लेकिन एल के पास एक प्लान है। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, मिस्टर फ्रैंकलिन के पैसों से। ओह नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, इधर और इधर। ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। वाओ, एल कैफेस बदलने का ऑफर दे रही है। वो चाबी देने के लिए तैयार है। और एशली काम को याद कर रही है। सारी चीजें अच्छी तरह साफ थी, कस्टमर्स भी खुश थे, कैश रजिस्टर्स डॉलर से भरा था, और जेमी के पास भी टिक टैक टो खेलने के लिए कोई था। हाँ, वो वापस आने के लिए मान गए। और बिल्कुल, टॉम भी उसके साथ है। मैं याद के तौर पर इसे ले जाता हूँ, ठीक है। शातिर अमीर लड़की को जो चाहिए था मिल गया। अब वो कलरफुल बर्गर्स बेचती है। गुड लक एल। बहुत पैसे आ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे नाखुश कस्टमर्स हैं। मेरी जीप को देखो, बर्गर खाकर उसकी जीप ब्लू हो गई। कस्टमर को पैसे वापस चाहिए। और बर्गर की वजह से इसके हाथ गोल्डन हो गए। फिर से पैसे चले गए। हे, बर्गर खाने के बाद मैं हार्ली क्विन जैसी बन गई। ओह खैर, फिर से सब चला गया। एल को अपने कस्टमर्स के पीछे भागना होगा।
है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो वापस आना चाहते हैं। एलिन पैसों की रेस को हार गई।